तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का के लिए जिस तरीके से गैल्वानिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम इसके लिए डेनियल सेल का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन पहले मैं आज गैल्वानिक सेल के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, फिर आपका जो डेनियल सेल है उस डेनियल सेल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले गैल्वानिक सेल पे बात करते हैं। तो गैल्वानिक सेल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर को आप ऐसे समझिए कि एक पात्र लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं। तो एक डिब्बा आपने इस साइड को लिया, एक दाई तरफ को लिया, और एक डिब्बा आपने क्या किया, बाई तरफ को लिया। जरा ध्यान से देखिए, एक डिब्बा मैंने दाई तरफ को लिया, एक डिब्बा मैंने बाई तरफ को लिया, एक पात्र आप जिसको समझ सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, दाई तरफ बाई तरफ वाले में मैंने ZnSO4 के सोल्यूशन को रखा और दाई तरफ वाले में मैंने CuSO4 के सोल्यूशन को रखा। और ये सोल्यूशन कैसा है, 1 मिलीमोलर का ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन भी 1 मिलीमोलर का है। एक तरफ को मैंने क्या किया, CuSO4 का सोल्यूशन रखा दाई तरफ को, और बाई तरफ को मैंने क्या किया, ZnSO4 का सोल्यूशन रखा। अब आपने जिस चीज का सोल्यूशन रखा हुआ है, जिस चीज का आपने विलयन रखा हुआ है, उस विलयन में आपने उसी चीज की रॉड को डिप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ ZnSO4 का सोल्यूशन ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिंक की रॉड को डिप कर दिया है या डुबो दिया है। इस तरफ मैंने CuSO4 के सोल्यूशन को ले रखा है, तो इसकी तरफ मैंने क्या किया, कॉपर की रॉड को क्या कर दिया है, क्या डुबो दिया है। मैंने क्या किया, एक तरफ को ZnSO4 का विलयन लिया, दूसरी तरफ को मैंने CuSO4 का विलयन लिया। जिस चीज का आपने विलयन लिया, आपने उसी चीज की रॉड को, उसी चीज की रॉड को आपने उसमें डिप कर रखा है, मेटालिक रॉड को, धातु की रॉड को आपने डिप कर रखा। अब बेसिकली होगा, और एक और चीज आपने क्या किया, ये देखिए ये अलग हिस्सा हो गया है, ये अलग हिस्सा हो गया है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु का इस्तेमाल कर रखा है। ये क्या है, लवण सेतु है। क्या है, ये लवण सेतु है। और ये लवण सेतु का क्या काम होगा, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये दिख रहा है, ये लवण सेतु क्या कर रहा है कि ये आपके दोनों जो पात्र हैं, दोनों पात्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर लवण सेतु नहीं होता तो ये वाला हिस्सा अलग था और ये वाला हिस्सा अलग था। अब होता क्या है कि दोनों जो आपकी मेटेलिक रॉड है, धातु की रॉड है, उसको मैंने एक गैल्वानोमीटर से क्या कर रखा है, एक गैल्वानोमीटर से जोड़ रखा है, जो मुझे ये बताएगा कि कितनी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। अब शुरू में क्या होगा, आपका ये जिंक है, ये ZnSO4 के सॉल्यूशन में विलयन में जब आएगा, तो जिंक क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि जिंक का इसमें क्या होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा। अब जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ पे +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, विलियन में इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले विलियन में जिंक क्या कर देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े, वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इसमें जो कॉपर है, CuSO4 के विलयन में मैंने जो कॉपर रखा हुआ था, वो कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया, कॉपर ने ग्रहण किया। और कॉपर किसमें बदल गया, कॉपर प्लस टू से कॉपर में आ गया। देखिए, पहले जिंक था, मेरे पास क्या आ जाएगा, विलियन में जिंक +2 आ जाएगा, या नीचे जिंक +2 आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे। तो यहां से यहां मेरे क्या चले जाएंगे, देखिए ये वाला जो टर्मिनल है, इसको हम
एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड मेरा धनात्मक होता है विद्युत रासायनिक सेल में। अब क्या हुए, एनोड से कैथोड के लिए इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को गए, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गए, क्योंकि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े वो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए, कॉपर ने ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को गए और इलेक्ट्रॉनों के जो विपरीत जो जो गमन होगा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, दिशा के इलेक्ट्रॉन जिस तरफ को चल रहे हैं उसकी जो विपरीत दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, धारा की दिशा होगी। तो इसका मतलब हो गया विद्युत धारा कहाँ से कहाँ को चलेगी, कैथोड से एनोड की तरफ चलेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर चल रहे हैं। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि हुआ क्या, पहले मैंने एक दो पात्र लिए, एक में ZnSO4 का विलयन लिया, दूसरे में CuSO4 का विलयन लिया। ZnSO4 का विलयन जिसमें था उसमें मैंने जिंक की रॉड को डाला, CuSO4 के विलयन में मैंने कॉपर की रॉड को डाला। और अब होता क्या है, जैसे दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जिंक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है, आपका कॉपर ग्रहण कर लेता। तो इलेक्ट्रॉन मेरे गए कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, धारा की दिशा होगी। तो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, मेरा क्या हुआ यहाँ पे, विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि गैल्वानिक सेल आपकी एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे लवण सेतु के दो काम है। लवण सेतु ने एक तो क्या किया कि ये जो सर्किट है ये दोनों परिपथ को है, एक तो क्या किया लवण सेतु के काम का क्या है, एक तो परिपथ को पूर्ण किया। एक दूसरा लवण सेतु का एक और काम है, लवण सेतु क्या करता है, उदासीनता बनाए रखता है। और लवण सेतु किससे मिलता है, किससे, जैसे KCl है, NaCl है, AgCl है, इनके विलयन से मिलकर बनता है। और एक लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है जो KCl, AgCl, NaCl इस तरीके के विलयन से मिलकर बनता है। एक तो ये परिपथ को पूर्ण करता है और ये उदासीनता बनाए रखता है। तो ये था मेरा गैल्वानिक सेल के बारे में।